इधर रामपुर में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जिले की सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की टॉपर सुनैना सैनी को एक दिन का विधायक बनाया है। रामपुर के रहने वाली सुनैना सैनी ने सीबीएसई बोर्ड से 12वीं में 98.8% अंक हासिल करके मुरादाबाद मंडल में टॉप किया। एक दिन के विधायक बनने के बाद सुनैना ने रामपुर की जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए। सुनैना को एक दिन के विधायक बनाने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीजों का अनुभव जरूरी है और ऐसे मौकों से छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें मैंने पूरे ही मुरादाबाद जोन में टॉप किया है, इसी के उपलक्ष्य में मुझे एक दिन का विधायक बनाया गया है। एक दिन की विधायिका बनने का मौका दिया और यहाँ आकर मुझे काफ़ी ही अच्छा लगा। मैंने काफ़ी लोगों की परेशानियाँ सुनी, उनको समझा एंड काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों से बातचीत की। हमारी हमेशा से सोच रही है कि बच्चे अगर पढ़ाई में जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, उस तरीके से राज्य क्षेत्र में भी उनको एक अपना एक अनुभव रहना चाहिए। उसी की कड़ी में ये शुरुआत की गई है और आज पहले दिन बहुत अच्छी शुरुआत रही। लोगों की दिक्कतों को सुना, संबंधित जो अधिकारी थे उनको फ़ोन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये बच्ची बहुत तरक्की करेगी। देखिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जब कम से कम जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके हमारे मंडल को, हमारे ज़िले को जो टॉप किया है, तो कम से कम उनको एक अनुभव मिलना चाहिए और इससे इस अनुभव से आगे की जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो उसको तभी उसको ऐसा किया। श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधान रामहरक यादव की तलवार से काटकर हत्या। शादी समारोह से घर लौट रहे थे पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। घात लगाए बैठे हत्यारों ने घेर कर रामहरक यादव को मार डाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अब जांच शुरू कर दी है। रामकोला थाना क्षेत्र के खोटी गांव के करबला के पास हत्या की गई। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। केरवनिया टोल के पास कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया है। हत्या के मामले में रामकोला थाना की पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। SP कुशीनगर धवल जायसवाल ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले की पूरी जानकारी भी जुटाई। शादी समारोह से लौट रहे पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई। इधर ग्रामीणों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया, सड़क जाम किया और मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में किस तरीके से सड़क पर जाम लगाकर न्याय की बात कर रहे हैं ग्रामीण और हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जाम लगा दिया गया है ग्रामीणों की तरफ से। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और समझाने की कोशिश की जा रही है। SP कुशीनगर धवल जायसवाल ने खुद मोर्चा संभाला है, घटनास्थल का दौरा भी उन्होंने किया, मामले की पूरी जानकारी ली है और निष्पक्ष जांच की भी बात कही है। लेकिन बड़ी खबर, पूर्व प्रधान की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है मौके पर जुटे हैं और सड़क को जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे जारी है। रामकोला थाना क्षेत्र के खोटी गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौट रहे थे पूर्व प्रधान, जिनकी घात लगाए हमलावरों ने तलवार से काटकर हत्या कर दी और इस घटना के बाद से ही तमाम जो ग्रामीण हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस भी तुरंत कार्रवाई में जुट गई है, जांच में जुट गई है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे भी जांच की बात कही जा रही है। खुद जो SP हैं वो मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, पूरी जानकारी मामले को लेकर जुटाई और अब जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। इधर ग्रामीणों में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले EBP गंगा पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़क को जाम करके जो ग्रामीण है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। केरवनिया टोल प्लाजे के पास में कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग ये बताया जा रहा है, जहां पे ग्रामीणों की तरफ से जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। शैलेश, अपडेट क्या है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से जाम लगाया गया है, क्या उसे खोल दिया गया है और अभी पुलिस की तरफ से जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, बताते चलना चाहेंगे, जिस प्रकार ये हत्या हुई है इससे पूरे ग्रामीण जो है आक्रोशित है, आक्रोशित होकर ये जो है धरने पे बैठ गया, चक्का जाम कर दिए और इसमें गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जिसने हत्या किया है उसकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे में
पुलिस ने जो है चार लोगों को जो है गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार हत्या की गई है, निर्मम हत्या की है, तलवार से काट दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अपराध जो है खुल के आया है रामकुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जी जी चलिए बिल्कुल शैरिंद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। यूपी कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक होनी है, निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। निकाय परिणाम पर प्रांतीय अध्यक्ष अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे और समीक्षा के बाद यूपी कांग्रेस 2024 की तैयारी भी शुरू कर देगी। बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों में जीत हार के कारण पर समीक्षा की जाएगी और इसी के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन भी होगा। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी करेंगे। तो निकाय चुनाव के जिस तरीके से परिणाम रहे वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे और इसे लेकर ही आज समीक्षा बैठक की जाएगी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 355 में से 28 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। लगातार प्रदर्शन है, खराब नजर आ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए कांग्रेस के 114 उम्मीदवारों में सिर्फ 7 ने ही जीत हासिल की थी। इधर 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 399 उम्मीदवार मैदान में थे जिसमें से सिर्फ 2 ने जीत हासिल की है। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2019 में कांग्रेस की 1 सीट मिली थी, वो भी सोनिया गांधी के खाते में गई थी। रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। तो ये पूरा प्रदर्शन है कांग्रेस का जो कि दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसे लेकर आज बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा और शैलेश इस बैठक को लेकर और जानकारी देंगे। कांग्रेस कार्यालय से सीधे मौजूद है हमारे साथ शैलेश, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर, किन किन बातों पर मंथन किया जाएगा और 2024 को लेकर क्या रणनीति अब कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन की हम लोग बात करें तो काफी समय से जो कांग्रेस का प्रदर्शन है दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। देखिए निश्चित रूप से अगर बात करें नगर निगम की तो 17 के 17 नगर निगम में एक जगह भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत वार्ड में बात करें तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो ऐसे रहे जिनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो निश्चित रूप से ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस का वो बहुत ही खराब कहा जाएगा और इसी को लेकर, क्योंकि 2024 की बात कर रही है कांग्रेस, तो इसको लेकर आज जो मंथन होगा, हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये लोकल स्तर का चुनाव होता है ऐसे में इसका 2024 पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके आधार पर रणनीति जरूर बनेगी। क्योंकि अभी जो निकाय चुनाव की सीटें थी वहां के प्रदर्शन में ये देखा जाएगा कि जहां सीट हारे हैं वहां पे कौन सा वर्ग था, कौन सा जातिगत समीकरण था और वो वोटर अगर कांग्रेस के साथ नहीं आया तो किसके साथ गया, जहां पर सीट जीती है वो कौन सा वर्ग था, कौन से जातिगत वहां के समीकरण थे और वहां के वोटर अगर कांग्रेस के साथ आए तो उसकी क्या खास वजह रही, आखिर क्या फैक्टर था जो काम कर गया कांग्रेस का। तो इन चीजों के ऊपर मंथन करने के बाद आज की ये बैठक होगी और देखिए 13 मई को जब नतीजे आए थे निकाय चुनाव के तो उसी समय जो 6 प्रांतीय अध्यक्ष है कांग्रेस के उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि अपने अपने जो उनको जिम्मेदारियां क्षेत्र की मिली थी वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। एक एक चीज जिस तरह से बिंदुवार अभी हम बात कर रहे थे चर्चा, उसी तरह से जीत हार के कारण वहां के समीकरण ये सब, और उस रिपोर्ट को लेकर आज कांग्रेस के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो यहां पर बैठेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ में बैठेंगे ब्रजलाल खाबरी के, और यहां पर मंथन होगा कि कहां पर चूक हुई है, क्या वजह रही जो प्रदर्शन जो था वो इतना खराब गया है, और उसके आधार पर 2024 की रणनीति बनेगी। उसके आधार पर ये बताया जाएगा कि भाई अगर फला सीट पर ये जातिगत समीकरण इस वजह से नहीं आया तो उसमें कैसे सुधार किया जाए, किस तरह से बूथ स्तर पर अब काम करने की जरूरत है, ये सारी वो चीजें होंगी जिनके ऊपर मंथन किया जाएगा। प्रदेश भर से पदाधिकारी यहां पर उसमें मौजूद रहेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे ये बैठक पार्टी कार्यालय पर होगी जहां इस समय मौजूद है, और इसी के आधार पर कांग्रेस 2024 को लेकर अपनी जो राह है वो प्रशस्त करने की ओर बढ़ेगी। जो रिपोर्ट देखिए यहां तय होगी निश्चित रूप से वो केंद्रीय नेतृत्व तक भी पहुंचाई जाएगी, क्योंकि जो 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर चाहे सीट फाइनल होने हो या बाकी निर्णय होने हो, स्ट्रेटेजिक जो फैसले होते हैं वो सब भी वहां से तय होंगे। ऐसे में जो यहां की रिपोर्ट होगी वो साझा की जाएगी एक फीडबैक के तौर पर, और आगे अब कांग्रेस यूपी कांग्रेस की क्या तैयारी है उसका एक ड्राफ्ट साथ में दिया जाएगा और इसके बाद में चीजें आगे फाइनलाइज की जाएंगी, तय की जाएंगी कि आखिर किस तरह से कांग्रेस को अब 2024 की लड़ाई में आगे उतरना है। निकाय चुनाव के नतीजे भले अच्छे नहीं रहे लेकिन जो कर्नाटक कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब देखने वाली बात है कि फाइनल में कैसा प्रदर्शन कांग्रेस का रहने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज कानपुर महानगर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। पिछली बार जब ये बैठक बुलाई गई थी तो काफी बखेड़ा खड़ा हो गया था। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने इस बैठक को लेकर सतीश महाना पर सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन इस बैठक में सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी जरूर पहुंचे थे। विकास के एजेंडे के अलावा शहर की आगामी राजनीति की तस्वीर इसमें देखी जा रही है। आज की बैठक में देखना होगा कि कौन कौन से नेता पहुंचते हैं। तो विकास के एजेंडे पर जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबकी नजर बैठक पर बनी हुई है कि कौन कौन आज इस बैठक में पहुंचता है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो काफी हंगामा पिछली बार देखने को मिला है और सतीश महाना ने आज एक बार फिर से ये बैठक बुलाई है। सांसद सत्यदेव पचौरी नाराज हुए थे पिछली बार बैठक में और विवाद काफी देखने को मिला। अब इसके बाद एक बार फिर से आज ये बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से जन प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचते हैं। कानपुर महानगर के विकास कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और रतीश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। रतीश, पिछली बार की बैठक में काफी हंगामा देखने को मिला, आज क्या तैयारी है बैठक को लेकर और कौन कौन से जन प्रतिनिधि आज बैठक में पहुंच सकते हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कानपुर महानगर के समग्र विकास को लेकर के ये बैठक आहूत की गई है, बैठक बुलाई गई है। पिछली बार भी जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, कानपुर की महाराजपुर विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने इस बैठक को बुलाया था। जब बैठक को बुलाया था और उसके बाद कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, कानपुर में ही लगने वाली अकबरपुर लोकसभा से सांसद देवेंद्र सिंह भोले और मिश्रिक जो लोकसभा सीट है वहाँ से अशोक रावत, इन तीनों ने एक एक करके पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को और इस बैठक को बुलाए जाने के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए थे। इसीलिए ये बैठक चर्चा में आई थी और पत्र में सत्यदेव पचौरी ने साफ तौर पर लिखा था कि महाना सतीश महाना को इस तरीके की बैठक यानी समग्र विकास की बैठक की समीक्षा बैठक बुलाने की कोई ये कह सकते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं है और उनका कोई अधिकार नहीं है। इस पर काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ था और उसके बाद नेताओं की जो गोरबंदी है वो खुल करके सामने आई थी। आज एक बार फिर से उसी तरीके की बैठक बुलाई गई है। हालांकि सांसद सत्यदेव पचौरी कानपुर में नहीं है, वो दिल्ली में है और देवेंद्र सिंह भोले लगातार इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं कि इस बार उनका क्या रुख रहेगा। लेकिन तमाम जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जो सात विधायक हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया और समग्र विकास कानपुर में आने वाले दिनों में विकास की क्या तस्वीर होने जा रही है, कौन कौन सी योजनाएँ लटकी हुई हैं, किन योजनाओं को फंड दिया जाना है और किन योजनाओं में क्या किया जाना है, इसकी पूरी समीक्षा होगी। तमाम जो विभाग हैं उन सभी विभागों के अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। लंबी चौड़ी इस बैठक में सतीश महाना अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ इस बैठक में रूपरेखा खींची जाएगी कि आने वाले दिनों में कानपुर में किस तरह से विकास होगा। लेकिन जब बाहर निकल करके इस बैठक की चर्चा आएगी तो विकास पर चर्चा रही होगी, राजनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि इस बैठक से सांसद सत्यदेव पचौरी लगभग नदारद रहेंगे, देवेंद्र सिंह भोले आते हैं या नहीं आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी और कौन से विधायक इसमें शामिल होते हैं और कौन से नहीं शामिल होते हैं इस पर भी नजर रहेगी। पिछली बार अमिताभ वाजपेयी इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर अमिताभ वाजपेयी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इतना ड्रामा देखने को मिला पिछली बार बैठक में, उसके बाद आज कानपुर के विकास की बात हो पाती है कि नहीं बैठक में, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय बनकर तैयार हो गया है और आज स्थायी कार्यालय का उद्घाटन होगा। रामकोट मोहल्ले में स्थायी कार्यालय बनाया गया है, पूजन के साथ होगा कार्यालय का उद्घाटन। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सभी ट्रस्टी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ मंदिर निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो स्थायी कार्यालय है वो भी बनकर तैयार हो गया है और आज स्थायी कार्यालय का उद्घाटन होगा। और देखिए कार्यालय के बाहर से सीधा ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता और जानकारी देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। अब ऋषि, आज स्थायी कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है, क्या तैयारी की गई है उद्घाटन की और कौन कौन जो लोग हैं इसमें शामिल होने वाले हैं? जी आपको बता दें कि आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट कार्यालय का ये अस्थायी कार्यालय जो है पहले राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पे था, लेकिन अब जो है अस्थायी कार्यालय बना करके रामकोट में तैयार कर दिया गया है। ये जन्मभूमि से महज 50 मीटर की दूरी पर है। अब जिस तरह से मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ हो रहा है, यही वजह है कि ट्रस्ट कार्यालय को भी जल्द से जल्द बना दिया गया, क्योंकि काम काज ज्यादा है जिस वजह से कार्यालय को भव्य और बड़ा बनाया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं सर शरद शर्मा जी, जो प्रांतीय मीडिया प्रभारी भी हैं। शरद जी, इस कार्यालय में
किस कौन कौन सी सुविधाएं होंगी और आज पूजन पाठ में कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं? देखिए, ये कार्यालय जो है वो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र का है कार्यालय, और ये नवीन भवन जो है बनाया गया, इसमें 34 कमरे हैं, इसके साथ दो हाल हैं और नीचे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस कार्यालय में जो है हमारे जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं राम जन्मभूमि पर, उनके निवास की भी व्यवस्था रहेगी, और साथ ही साथ जो है जो आगंतुक आएंगे, जो राम भक्त आएंगे, उनसे संवाद और उनकी सेवा, यह भी इस कार्यालय के माध्यम से होगा। और यह परिसर भव्य रूप से बनकर तैयार हुआ है। आज यहाँ पर साधु संतों के मार्गदर्शन में, हमारे जो वैदिक विद्वान हैं उनके मार्गदर्शन में पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, और साथ ही साथ 12 बजे जो है लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। और हम सब बड़े आह्लादित हैं कि रामकोट क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो है श्री राम लला विराजमान है, वह भी है, तो ये सारे जो है केंद्र का एक मुख्य केंद्र है ये कार्यालय, और इस कार्यालय के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित हो, यह प्रयास इस कार्यालय के माध्यम से होना है। बिल्कुल, जिस तरह से कार्यालय को बनाया गया है इतना भव्य, और क्योंकि जब राम भक्त आते थे उनको कई समस्याएं होती थी, वो कई जगह पे रुकते थे, प्राइवेट उनको रूम लेना पड़ता था, लेकिन अब इसको भव्य और दिव्य बना दिया गया है, क्या है जिस तरह से? देखिए, राम भक्तों के रुकने की व्यवस्था जो है वह हर जगह है, अन्यत्र है, लेकिन जहाँ तक इस कार्यालय में, तो जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था तो स्वाभाविक उनको सुलभता से प्राप्त हो, यहाँ से जो है उनको व्यवस्था मिल जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि यह कार्य जो है, ये कार्य क्षेत्र जो है वो अपने आप में ही एक संवाद को स्थापित करने वाला बनेगा, और आने वाले दिनों में देश विदेश से जो आने वाले हमारे राम भक्त हैं उनसे संवाद स्थापित करने में इस कार्यालय की अहम भूमिका होगी। और राम जन्मभूमि तो इसके निकट है, स्वाभाविक है कि वहाँ की दूरी कम है, और यहाँ से जो लोग जाएंगे वह जरूर संपर्क करके जाएंगे, तो उनको सुविधा होगी आगे दर्शन में। बिल्कुल, तो इस प्रकार से इस कार्यालय के बनने से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, ये भी देखने वाली बात है किस तरीके की सुविधाएं मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एलडीए ने शासन को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई के लिए कहा है। एलडीए में सचिव रहने के दौरान नियम के खिलाफ भूखंड का आवंटन का इन पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जेल में बंद है रामविलास यादव। उत्तराखंड विजिलेंस जांच में सामने आया था कि रामविलास ने 2013 से 2016 के बीच में से 500 गुना अधिक की संपत्ति अर्जित की। सपा सरकार में रामविलास मंडी परिषद, एलडीए, लखनऊ नगर निगम में काफी अहम पदों पर भी रहे। भाजपा सरकार आने पर रामविलास ने अपना काडर उत्तराखंड करवा लिया, और रामविलास के खिलाफ लखनऊ निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत मिश्रा ने शासन से शिकायत की। शासन ने इस शिकायत को उत्तराखंड सरकार को भेजा, और उत्तराखंड की विजिलेंस से केस दर्ज करके जुलाई 2022 में रामविलास के लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून समेत आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापे मारे थे। और चलिए शैलेश, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, कैसे देखा जाए अब, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आईएएस रामविलास यादव की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से, और ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि एलडीए की तरफ से भी अब इस मामले में एक पत्र लिखा गया है शासन को, रामविलास जो आईएएस है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई को लेकर संस्तुति देके की गई है। अगर बात करें तो रामविलास जो है वो सपा सरकार के समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, चाहे वो बात की जाए एलडीए की, चाहे बात की जाए लखनऊ नगर निगम की, मंडी परिषद, कई जगह पर रहे। लेकिन जब बाद में भाजपा सरकार आई तो उस समय अपना काडर बदलवाया इन्होंने, ये उत्तराखंड चले गए थे। उत्तराखंड गए तो देखिए यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से हेमंत मिश्रा नाम के व्यक्ति ने शासन में शिकायत की थी, और उस शिकायत को आधार बनाकर उत्तराखंड सरकार को एक पत्र लिखा गया था, जिसके बाद उत्तराखंड की जो विजिलेंस है उसने केस दर्ज किया। जुलाई 2022 में देखिए ये छापेमारी हुई थी, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, करीब आधा दर्जन ठिकाने थे जहाँ छापेमारी हुई थी। और अब जबकि एलडीए को भी अपने यहाँ चीजें मिली, और जो एलडीए को देखिए चीजें मिली उसमें ये साफ सामने आ रहा है, फिलहाल जो प्राथमिक जांच है उसमें ये दिख रहा है कि जो आवासीय और व्यावसायिक भूखंड थे उनके आवंटन में सभी नियमों को दरकिनार कर दिया गया, खिलवाड़ किया गया, और इसी को आधार बनाकर एलडीए की तरफ से एक पत्र जो है वो शासन को लिखा गया है आगे कार्रवाई के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब जो आईएएस रामविलास पासवान है, बिल्कुल मुश्किलों के बाद अब आगे क्या और कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद।
राजधानी लखनऊ में हाउस टैक्स की दरें बढ़ सकती है, दोगुनी हो सकती है हाउस टैक्स की दरें। लखनऊ में वाटर टैक्स भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हाउस टैक्स बढ़ने से 6 लाख भवन मालिकों पर असर होगा, वाटर टैक्स बढ़ने से 4 लाख भवन मालिकों पर असर होगा। राजधानी लखनऊ में 13 साल से हाउस टैक्स की दरें नहीं बदली हैं। इधर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नगर निगम को आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति को देखते हुए अपनी आय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम की आय में हाउस टैक्स का हिस्सा 70 से 80% तक होता है और नगर निगम अधिनियम में हर 2 साल पर इसकी दरें संशोधित करने का भी प्रावधान है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।